हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, आवाज़ आ रही है? चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी जल्दी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। यस, दिलीप को पवार दिख रहा है सेल्फी को। ओके ओके, चलिए चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आज अमाइन चैप्टर के एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है? अभी चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या है। ठीक, आ जाएंगे धीरे 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 स्टूडेंट्स सब तक। चलो जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एसिटिक एसिड को मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, तो ए बनेगा, ए को PCl5 के साथ किया तो बी बनेगा, बी को पोटेशियम साइड के साथ रिएक्शन किया तो सी बनेगा, सी का एसिड रिलीज किया तो बनेगा डी। चलिए क्वेश्चन आज के बहुत टफ रखे मैंने, टफ मान के चलिए। आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन में थोड़े से ज्यादा रखे मैंने, जिससे क्या होता है थोड़ा सा ब्रेन शार्प चल, क्योंकि अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब चौथा चैप्टर है। इसके अंदर बायो मॉलिक्यूल, पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री, बस ये तीन चैप्टर और रह गए बस इसके आज के होने के बाद। तो तीन चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, तो मैं चलो पहले ऑर्गेनिक खत्म कर दूं तीन चैप्टर और लेकर, फिर मैं आता हूँ फिजिकल पे आता हूँ फिर, ठीक है ना? लगा तो फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक ऐसे करेंगे, फिजिकल इनऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक, तो फिर वो तीन तीन छः ऐसे कवर हो जाएंगे आपके, और ये सात चैप्टर, सात और छः 12 13 हो जाते हैं आपके, ठीक है? आई एम बी फार्मेसी स्टूडेंट, यस। तो फिर अभी बी फार्मेसी बेटा आपका तो हो चुका है। यस सर, यस बेटा फाइन, यशवंत फाइन। चलिए बेटा आंसर आया किसी का? चलिए अभी इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी हम लोग। तो क्या हो सकता है अभी देखो, हमने अब आपको मालूम है कि लिथियम एल्यूमिनेट क्या करेगा, इस कार्बोऑक्सी ग्रुप को क्या कर देगा, अभी यहाँ पे रिड्यूस कर देगा, किसमें कर देगा लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर मैं CH, एक मिनट, CH3CH2OH, एक मिनट इसको तिरछा हो गया, रुकिए जरा। तो यहां बनता है आपका CH3। अब देखो CHO जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में, CH2OH में, हो गया कि नहीं देख लीजिए। अच्छा ए आंसर है, देखते करके ए बन गया। अब इसको PCl5 से रिएक्शन किया तो अब क्या बनेगा, CH3CH2Cl, फिर इसको पोटेशियम साइनाइड से करेंगे तो सी बनेगा CH3CH2Cn। और साइनाइड का मालूम है ना, कभी भी अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनता है कार्बोक्सी ग्रुप, मतलब यहाँ डी बनेगा CH3CH2COOH, मतलब इसका आंसर बी है, प्रोपियोनिक एसिड बेटा। इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोपियोनिक एसिड है। आया क्या? देखो ऐसे क्वेश्चन जिसको आ गया ना समझ लिया उसका नॉलेज बहुत बढ़िया है, ठीक है ना बेटा?
यस, मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है? यस, सभी को सुनाई दे रही है क्लियर? यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है। अब ज्यादातर मैंने कन्वर्जन रखे हैं ऐसे क्वेश्चन इस बार में, ठीक है ना। देखो, इथेनामाइन को हमने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट और एसएलसी रिएक्शन किया, तो ए बनेगा। तो क्या आएगा बताइए, मतलब सोडियम नाइट्राइट एसएल, मतलब यहां बने आपका आएगा नाइट्रस एसिड जनरेट करता है ये, मालूम है ना, C2 रिएक्शन से। तो यहां पर आपका ए क्या आएगा, सोचो बताइए। ए हम करके देखते हैं क्या आता है। CHS, सर मराठी मदी बोला। अरे बेटा, मेरे को मराठी बोलता हूँ लेकिन मेरे को आदत हिंदी बोलने की है, ठीक है ना। इथेनामाइन को हमने क्या किया, नाइट्रस से, सोडियम नाइट्राइड और इन दोनों के रिएक्शन से क्या जनरेट होता है, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ बनेगा आपका CH3, हाँ CH2OH, इसमें बनता है एल्कोहल बनता है बेटा। क्या है बेटा, मराठी मेरे को क्या आदत, में मेरा पूरा एजुकेशन बाहर ही हुआ है, ठीक है। एक दो लाइन तुम्हारी खुशी के लिए बोल सकता हूँ। इकड़े बघा था, इथेनामाइन से अपन रिडक्शन है बा हाइड्रो नाइट्रस एसिड सोबत रिएक्शन के अंदर का फॉर्म होना रहे इथेनॉल, है कि नहीं, इथेनॉल फॉर्म होना। मगला रिएक्ट करे से सोबत फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ, ठीक है ना। हो गया बेटा, मैं ज़्यादा, मेरे को वो हिंदी आती है, क्या करूँ मैं अभी, कितनी कोशिश करूँ, क्योंकि वो हमको आदत लगी ना बोलने की। ये बनेगा इथाइल ब्रोमाइड, फिर इसको पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ बनेगा आपका CH3CH2CN, ऐसा है। फिर इसको क्या करेंगे, सोडियम और इथेन साथ करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे डी बनेगा CH3CH2CH2NH2, रिडक्शन हो गया इसका। दिस इज द मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं इसको, मालूम है ना। हाँ देखो बेटा, इथेनामाइन है ना, इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2NH2, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड और एसएल रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड। तो मतलब NO2 क्या कर, देखो अब ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं एक और तरीका बताता आपको, नहीं तो नीचे लिख के बताऊँ क्या डिटेल में। हाँ क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, आज के क्वेश्चन इतने अच्छे रखे मैंने, पूछिए मत। इथेन देखो मैं लिख थोड़ा सा बताता हूँ, CH3CH2NH2 प्लस, अब यहाँ पे लेते हैं HNO2 बनेगा। तो इसको हम चाहो तो ऐसा स्प्लिट करके लिख सकते हैं। देखो इसको नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HONO, ओके। हाँ और एक बात याद रखिए आप लोग, यस आंसर क्या आ रहा है बेटा, सी। यस हमने तो आंसर निकाल दिया है, लेकिन फिर से एक बार, वो एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया उसलिए बता रहा हूँ इसको। तो यहाँ बनेगा आपका ए क्या आएगा, CH3CH2, देखो ये OH क्या करेगा, इस NH2 को यहाँ से निकाल देगा ये पूरे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, ये बन गया ए प्रोडक्ट बन गया। ए को मैंने किससे रिएक्शन किया देख लीजिए, यहाँ पर ए को मैंने फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ किया, तो यहाँ बनेगा आपका क्या, CH3CH2Br बनेगा, ये बन गया आपका बी प्रोडक्ट बन गया बेटा। इसको मैंने रिएक्शन किया पोटेशियम साइनाइड, यस यस। तो अब यहाँ बनेगा आपका CH3CH2CN। अब इसको हमने क्या किया, रिडक्शन किया, रिडक्शन किससे किया, रिडक्शन हमने यहाँ पे देख लीजिए सोडियम और एल्कोहल से किया, सोडियम एंड एल्कोहल। तो यहाँ बनता है आपका CH3CH2, ऊपर लिखा है मैंने CH2 और NH2, मतलब इसका आंसर आएगा प्रोपेन ब्रोमाइड, सी आंसर। देखो बेटा फिर से बता दिया मैंने, यस सी आंसर, बहुत बढ़िया आ गया ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो हमारा बहुत ब्रेन शार्प रहेगा। चलिए चलिए, क्या सचिन सुभाष राजपूत, ओके बढ़िया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब के आंसर सी सी आ रहे, बढ़िया है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हमने एन प्रोपाइल अमाइन को, मैंने देखो वही लिया सेम एच, यहाँ पे इसका नाइट्रस एसिड आएगा HONO, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, आप समझ में आ गया होगा अभी, CH3CH2CH2OH एल्कोहल बनेगा। फिर उसको PCl5 से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2Cl। और आपने इसका एक्सेस ऑफ बन लिया तो फिर यहाँ बनेगा आपका अमाइन बनेगा CH3CH2CH2NH2।
NH2, इसका आएगा आपका प्रोपाइलामाइन। बी आंसर इसका करेक्ट है, थर्ड का बी करेक्ट आया। देखो बेटा, यस एच सी टी, यस बेटा आपका भी सी है, बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं भाई सब लोग। ओके चलिए चलिए फटाफट फटाफट, यस आया ना सभी का, क्या बात है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पे लिया है प्रोपियोनिक एसिड लिया है, उसको अमोनिया से रिएक्शन किया, तो ए बनेगा, ए को सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन, तो बी बनेगा, बी को रिएक्शन किया NaNO2 और HCl, तो सी बनेगा, सी को ऑक्सीजन किया तो डी बनेगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए कोई ला सकता है क्या? आप लोग कोशिश करो फिर मैं बताता हूं। कुछ क्वेश्चन लगने तो टाइम लगता है, लगने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ अमोनिया लिया तो क्या बन सकता है, ए क्या बनेगा, ए का सोचा क्या बनता है, ए या ए बनेगा CH3CH2 COONH4, याद आया अमोनियम एसिड, यस 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 यस, बराबर है कि नहीं? ए बन गया ये आपका। अब बी क्या करे, अब ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, CH3CH2 इसको उठा, आप देखो एक मिनट, इसका फाइनल प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, ये और आगे रिएक्शन करेगा, ये आगे बनेगा आपका CH3CH2CONH2 बनेगा। अब बी क्या, ये यहाँ तक लाना पड़ता है बेटा इसमें, फिर यहाँ से देखो ये इधर जाके अटैच करेंगे, तो अब यहाँ बी बनेगा, बी बना रहा हूँ, CH3CH2NH2, ये बी आएगा ठीक है ना। बी को अभी इससे रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा यहाँ पर, CH3CH2OH बनेगा। फिर इसको ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, CH3CHO, फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, CH3COOH, इसका आंसर बी होगा, इथेनोइक एसिड, यस। अरे बाप रे, आ गया आंसर सबके, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ यस सी बी क्रिएशन, यस बेटा, हेलो बेटा साक्षी भान, यस यस बी आंसर आया बेटा, यस यस क्या बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखो चार चार हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए बेटा आगे देखते हैं, चार हो गया, अभी थोड़ा ब्रेक अभी इसमें। अब देखो बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन बाय, क्या लिखा है, बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन बाय, चार ऑप्शन दिया है, नाइट्रेशन और SnHCl, फिर है ऑक्सीडेशन SnHCl, फिर है डाइजिटाइजेशन सैंडविच रिएक्शन, फिर है क्लोनेशन और अमोनियासिस। चलिए बेटा इसका आंसर लाइए जरा, यस यस चलिए चलिए फटाफट बताइए इसका क्या होगा। बेंजीन को आपको एनिलीन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन ये है ना, ये बेंजीन देखो, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एनिलीन में करना है, तो किससे करेंगे उसको बोलेंगे, एनिलीन में करना है, तो क्या ले आया एरो पे, हम क्या ले यहाँ पर, तो मुझे लगता है पहले उसका नाइट्रेशन करना पड़ेगा है ना, यस इसका हम लोग अगर नाइट्रेशन कर दिया तो क्या बनेगा, इससे आप नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, किससे रिडक्शन करना पड़ेगा, टिन एंड HCl से रिडक्शन कर दो, तो यहां बन जाएगा आपका एनिलीन। कुछ याद आया? हाँ यस सर, सर योर टीचिंग ऑन यूट्यूब, ओके बेटा चलिए बढ़िया, आ जाएगा ना बेटा ये ऐसा। तो देखो यहाँ नाइट्रेशन से आपका बोलेगा नाइट्रो, तो मतलब अभी आपका नाइट्रेशन करना पड़ेगा, बाद में उसका रिडक्शन, इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए, आंसर आना चाहिए, किसी का आया क्या ये आंसर, जरा देखो जरा ए आंसर आया किसी का, चेक करो चेक करो, यस कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नाइट्रेशन क्या है, नाइट्रेशन में क्या लेते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और क्या लेते हैं, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, याद है ना, तो नाइट्रेशन होगा, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, इसका हमने रिडक्शन किया, रिडक्शन ये किया देखो, बाय यूजिंग आपने टिन और HCl, तो रिडक्शन करेंगे तो ये एनिलिन बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, याद आए ना, यस बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, देखो अभी आइडेंटिफाई वाला, तो बेंजोइक एसिड को आप चाहे आपके स्क्रीन पे आने दीजिए, पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने दीजिए, यस यस महादेव, यस बेटा ये आंसर,
क्या बात है यार, बहुत से बच्चे ज्वाइन है आज तो। देखो अभी बेंजोइक एसिड को हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो ए बनेगा, ए को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन मतलब ये हॉफमैन ब्रोमामाइड है यहाँ से। चलिए जरा बताइए क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट बताना है आपको इसमें, बी प्रोडक्ट आप लोग कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ है। हाँ बोलो सर, आई हैव वन क्वेश्चन। यस बोलो बेटा, यस यस बहुत बढ़िया। तो आज लगता है आग लगने वाली है ना। यस यस देखो अभी बेंजोइक एसिड लिया हमने यहाँ पर, बेंजोइक एसिड ये लिया, देखो ये लिया हमने बेंजोइक एसिड लिया है, इसको हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे लोन पेयर रहती है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका अमोनियम बेंजोएट आने वाला है। यहाँ पे देखो COON H4 आ गया कि नहीं, अमोनियम बेंजोएट। इतने एनर्जी बेटा, मैं पूरा कंटिन्यूस, आप देख रहे हैं ना, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सात कंटिन्यूस पढ़ाते पढ़ाते अभी भी देखो मैं काम कर रहा हूँ 9 से 10। देखो और क्वेश्चन पेपर सब करने पड़ते हैं हमको, बहुत काम रहता है, लेकिन वो एनर्जी क्या रहता है, देखो आपको काम करने की इच्छा होनी चाहिए, सब हो जाता है ठीक है ना। अब ये आगे जाके क्या बनाएगा देख लीजिए। यहाँ पर सुबह आप 6 के पहले उठिए, सूरज उगने के पहले उठिए, आपको या बॉडी में एनर्जी रहेगी। ये देखो सोडामाइड बनेगा, फिर बाद में इसको किससे रिएक्शन करना है आपको, ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है आपका, देख लीजिए क्या बनता है, एनिलीन बनता है, एनिलीन, क्योंकि ये रिंग जाकर ये जाकर अटैच होगा NH2 के साथ। यस आया बेटा, चलिए चलिए बहुत, चलो बढ़िया। हाँ बेटा आंसर क्या आएगा इसका, इसका आएगा एनिलिन, डी आंसर आएगा ना, आया क्या डी आंसर, चलो बढ़िया है बढ़िया। हाँ बड़े आगे, यस सेल्फी क्वीन का आंसर डी है। यस अपने ओरिजिनल नाम डालो, ओरिजिनल नाम डालो। तो सब फिर मैं नाम लूंगा तो सबका नाम आएगा सामने, फिर कौन कौन पढ़ रहा है क्या है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन टू अमाइन। ओके बेटा ओके ओके, सीबी क्रिएटर्स आपका नाम बताओ। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, CH3 CH CH3 प्रोपेन टू अमाइन, ये है स्ट्रक्चर इसका। तो अब इसका अब कॉमन नेम क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसका कॉमन नेम, ओके ओके ओके, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन है ना, मेरे ख्याल इसका आंसर ए आना चाहिए, 7th का आंसर ए है। यस यस चलिए अब बातें कम करते हैं, जरा अपने क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं भैया, जरा जल्दी सॉल्व करना है हमको। यस यस अच्छा वेदांत भागवत सर, ओके बेटा ओके 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 चलेगा, चलिए जरा फटाफट फटाफट जरा। यस डी 7th का ए करेक्ट है ना, यस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, क्या ना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग विथ अमोनिया गिव्स बी प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा ऑन हीटिंग बी गिव्स सी प्रोडक्ट, और सी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन, तो टू गिव क्या बनेगा से, इथाइल अमाइन बनेगा। तो ए इज, अब ए क्या होगा, ए को पहचानना है, चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट बताएंगे। यस 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 देखते हैं इसका आंसर कौन लाता है, इथाइल अमाइन, तो रिवर्स ले जाओ रिएक्शन को। क्योंकि अभी ये देखो ए समझते, ये कार्बो चारों देखो ऑप्शन में, देखो ए में एसिटिक एसिड, बी में प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है ना, एन ब्यूटेनिक एसिड, एन पेंटोनिक एसिड दे रखा है, तो आपको क्या करना है, कौन सा लगेगा, दो इथाइल, दो कार्बन है यहाँ पर, देखो दो कार्बन मतलब आपको भी यहाँ पे दो कार्बन लेना चाहिए, कार्बोक्सिल दो कार्बन, ये हिंट है देखो इसकी, आ गया पकड़ में, नहीं सी नहीं बेटा, बी आंसर होगा इसका, बी बी आंसर होगा, देखो आ रहा है क्या, समझ आया, बी आंसर। देखो अगर हमने बी लिया, देखो प्रोपियोनिक एसिड लिया अगर हम लोगों ने, ये देखो ना
इसको किससे रिएक्शन किया, ये ए है मान लीजिए, इसको किससे, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दो, अमोनिया के साथ करने से क्या बनेगा देख लीजिए। अब यहाँ पर, यहाँ पर बनता है आपका CH3CH2 COONH4, ये बन गया। अब बाद में ये बन गया आपका सी प्रोडक्ट बन गया, सॉरी ए से बी बन गया। अब बी को क्या करना है, किस साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एक मिनट, इसको आगे और आगे एक स्टेप जाने वाला है, CH3CH2CONH2, ठीक है ना, ये यहाँ नहीं आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ तक आपका ये जाता है। अब मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, देखो अभी इसको, यस क्या आंसर, बी क्या आंसर है बेटा, आप लोग आ रहे हैं किसी का आंसर, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे देखो CH3CH2 और NH2, इथाइल अमाइन बन गया, इसका मतलब आपका ए क्या होना चाहिए, करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है बेटा इसका। अरे आ गया कि नहीं सभी का बी आंसर, देख लीजिए बी आंसर आ रहा है आप लोगों का, देख लीजिए आ रहा है बी। चलो चलो बहुत बढ़िया है, बहुत आज के क्वेश्चन बहुत भारी है। चल रहा है नीट का भी जरा चल रहा है, पोस्टपोन होने का चांसेस दिख रहे हैं, आपको बताऊंगा मैं अभी क्या है, न्यूज आ रही दिख रही मेरे को, विल नीट 2020 एग्जाम विल बी पोस्टपोन, यूनियन मिनिस्टर डी प्रधान आंसर इन कन्वर्सेशन। अच्छा देखते हैं क्या होता है, ठीक है, यस यस। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े, टाइम ज्यादा लेगा लग रहा है ना। चलो नेक्स्ट है, द वीकेस्ट बेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज, सबसे वीक बेस्ट बेस कौन सा होगा इसमें से, अमोनिया होगा, एनिलिन होगा, एन मिथाइल मिथेनामाइन होगा या प्रोपेन वन अमाइन। अगर देखो अभी आपको याद होगा सबसे स्ट्रांग कौन सा होता है, आपका ऑर्डर होता है सेकेंडरी आता है, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है टर्शरी, फिर आता है इसका आपका अमोनिया, याद आ रहा है ना आपको अमोनिया, फिर आता है आपका क्या एनिलिन, याद है ना, मैंने आपको ये सब कर याद रखना है पूरा ऑर्डर, ये एनिलिन, और उसके बाद फिर आता है एनिलिनियम आयन, फिर क्या आएगा आपका एनिलिनियम आयन, ये देख लीजिए ये ऑर्डर है। अब बताइए आंसर, इसका आंसर होगा एनिलिन, एनिलिन वीक वीक होगा इसके अंदर, यस करेक्ट है ना। नहीं बेटा उसके एनिलिन भी दिया नहीं, चारों में ढूंढना है, देखो ना आपका अमोनिया का उसके बाद एनिलिन वीक आ रहा है ना, और अगर एनिलिन ही होता तो ये होता, लेकिन अब इसके अंदर दे रखा है ना, देखो प्रोपेन वन अमाइन ये प्राइमरी है, ओके ये आपका एन मिथाइल मिथेनामाइन ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका एनिलिन है, ये आपका अमोनिया, देखो है ना, यस करेक्ट है ना, इसका आंसर बी होना चाहिए बेटा, वीकेस्ट आएगा बी, हाँ बी होगा, यस यस शुभम करेक्ट है, यस क्या बात है, आज तो बहुत ज्वाइन दिख रहे बाबा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो अब हम आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलिन, कौन सा ग्रुप है जो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा, तो मिथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, एमिनो ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप, यस डिक्रीज करने के लिए कौन सा होना चाहिए पॉजिटिव, आपको याद होगा ना बेसिसिटी जो होता है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैंने पॉजिटिव लेता हूं तो वो डोनेट करेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, तो ये शो करेगा आपका पॉजिटिव है ना, इंक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, देख लीजिए आया क्या डी आंसर, देख लीजिए, देखो देखो फटाफट फटाफट, यस माउली शुभम, यस सभी लोग आंसर देने की कोशिश करो बेटा, सभी लोग यस, ऋतुजा कभी है भाई, बहुत लोग है, बहुत बढ़िया, दीजिए भैया फटाफट फटाफट, आया ना आंसर। चलो आगे बढ़े क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखो अल्काइलेशन ऑफ अमाइन प्रोसीड्स बाय, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन प्रोसीड्स बाय किससे होगा, देखो SN1 होता है, SN2 होता है, SN लिखेंगे या फिर नन ऑफ दिस होगा, बहुत बढ़िया है,
अल्काइल इलेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, प्राइमरी अमाइन का यूज करते हैं ना हम लोग, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन का यूज किया, इसको हमने अल्का हैलाइड से रिएक्शन किया, याद आ रहा है ना, पॉल का हैलाइड से किया, तो क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन बनता है। उसके बाद फिर से उसको रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड के साथ, तो बनता है टर्शरी अमाइन बनता है। फिर से उसको हमने अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया, तो यहाँ पे बनता है आपका क्वार्टरनरी अमोनियम, क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड, याद आया ना आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर SN2 बी आंसर होगा इसका, है ना, क्योंकि प्राइमरी सब्सट्रेट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्राइमरी सब्सट्रेट के लिए SN2 यूज करते हैं, और प्राइमरी टर्शरी सब्सट्रेट के लिए SN1, याद आया। यस यस, क्या बात है भाई, स्पीड स्लो हो गई, आंसर नहीं आ रहा अभी। यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी, करेक्ट है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे या रिकॉल हो रहा है क्या। हाँ बहुत बढ़िया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लियर होगा ना बेटा, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत करने हैं क्वेश्चन अभी, अभी तो आधा घंटा होते आ रहा है। देखो, व्हेन प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, क्या किया हमने, प्राइमरी अमाइन को किससे रिएक्शन किया, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, नाम बताना है, अल्काइलेशन ऑफ अमाइन या हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव और मिथाइलेशन या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन, देखते क्या नाम देते हैं आप लोग, फटाफट फटाफट। यस यस यस, जल्दी 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 बताइए, आया किसी को, मुझे इसका आंसर दिख रहा है, अभी आप लोगों के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। यस बेटा, इसको बोलते हैं हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉफमैन्स, यस यस बी आंसर है, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, क्योंकि यहां पे क्या लिया, मिथाइल आयोडाइड दिया ना, यहाँ पे अल्का हैलाइड देखना होता है कौन सा है, मिथाइल है तो मिथाइलेशन, इथाइल है तो इथाइलेशन, तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, इथाइल है तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव, यस 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 इथाइलेशन बोलेंगे, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड्स ऑन हीटिंग विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड गिव, क्या देगा अभी, क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर सॉल्ट, सेकेंडरी अमाइन या फिर प्राइमरी अमाइन, क्या बना सकता है, चलिए जल्दी जल्दी बोलिए। चलो चलो जल्दी जल्दी बताइए। आया क्या किसी को, क्वार्टरनरी अमोनियम को हिट किया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो उससे क्या बनता है, क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना बेटा, आएगी, देखो आपने यहाँ पे लिया क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड लिया, ये ले लिया ना आपने, अब उसको किससे रिएक्शन किया हमने, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मतलब एरो पे लिखेंगे हम लोग क्या, Ag2O+ और वाटर, यहाँ देखो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, देखो Ag2O+ H2O, यहाँ बनता है आपका AgOH, ये बनेगा ऐसा, है ना, इंटरमीडिएट, ये C2 रिएक्शन है ये, तो यहाँ बनेगा, देखो हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, हैलाइड को रिप्लेस करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ बनता है आपका R4N+OH-, ये बनेगा देखो। यस, इसका आंसर आएगा आपका क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन हॉफमैन एलिमिनेशन द मेजर प्रोडक्ट इज, कौन सा होता है, यस मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसके अंदर, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या लीस्ट सब्स्टिट्यूट अल्कीन या फिर अल्डिहाइड या प्राइमरी अमाइन, क्या होगा, चलो देखते हैं इसका आंसर कितने स्टूडेंट बता पाते हैं, चलिए जल्दी जल्दी, थ्योरेटिकल है इसमें हम यूज करते हैं, यस किसी का आंसर आ रहा है, इसका आंसर आता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, मेरे ख्याल से बी आंसर आता है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट होता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, कितने लोगों को याद आ रहा है, यस ओमकार, यस यस यस, अब आ रहा है, करेक्ट है ना आंसर, किसी कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो बता सकते हैं, यस यस नेचर लवर, यस सी नहीं होगा बेटा, इसका आंसर बी होगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, यस यस बी, ठीक है ना।
चलिए चलिए बढ़िया है भैया, याद आ रहा है मतलब आपको। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गिव्स कार्विल अमाइन रिएक्शन, कौन देगा कार्विल अमाइन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच गिव्स कार्विल अमाइन रिएक्शन, इसमें बोल रहा है देखो ए ऑप्शन है इथाइल अमाइन, बी है डाइथाइल अमाइन, सी है ट्राइथाइल अमाइन, डी है टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड। यस, तो कार्विल अमाइन रिएक्शन सिर्फ कौन देता है याद कीजिए, प्राइमरी अमाइन ही शो करता है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक होता है, याद आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप। फिर प्राइमरी अमाइन कौन सा दिख रहा है, इथाइल अमाइन है प्राइमरी, डाइथाइल है सेकेंडरी, ट्राइथाइल है टर्शरी, और यह है क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मतलब इसका आंसर आएगा ए। यस, ए आंसर इसका। 15 आंसर एक करेक्ट है। हाँ ऐसा डालो तो वो आ जाएगा 15 क्वेश्चन का आंसर ए। हाँ ऐसा किया तो फिर समझ आता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यस ठीक है ना, 15 का आंसर। यस, कोई टाइप करके बताओ जरा, 15 का आंसर ए ऐसा। यस है ना, 15 का ऐसा आना चाहिए आपको, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उस वही तो ले रहा हूँ, इसी ये इसी का आप लोगों का क्लास में इसी का टेस्ट है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, देखो हाइंसबर्ग रिएजेंट इज यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन, किस लिए यूज करते हैं ये करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस के लिए, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल के लिए, या फिर एल्डिहाइड कीटोन, या फिर एल्कोहल फिनॉल्स। यस बताइए, बहुत ईजी है। यस आप लोग क्या करो, अपने फ्रेंड सर्कल को इसकी ना प्लेलिस्ट इसका लिंक डाल दो, आप लोग इसका लिंक भेज दीजिए तो बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर हो जाएंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। यस आया किसी का आंसर बेटा, बी। यस यस यस, क्या बात है। तो इसका आंसर ए आंसर आना चाहिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा इसका, आया कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन गिव्स, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन गिव्स क्या बनेगा, 2 नाइट्रो एनिलिन, 3 नाइट्रो एनिलिन, 4 नाइट्रो, या फिर मिक्सचर ऑफ ऑल द अबव। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी 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 आया क्या। यस हाँ, नंबर डाल के डाला तो अच्छा रहता है, जैसे अभी अभी आपका जो आंसर है, जैसे आप बोलते हैं कि 17 का क्या आंसर है, ठीक है ना, तो 17 का जो भी आंसर है उसको डाल के ऐसा भेज दिया को तो समझ में आता है। यस 17 का डी आंसर है बेटा इसका। चलिए अब फटाफट लेता, अब ये वाला बताना, ये जो रिएक्शन जो दिया है एबव रिएक्शन जो है ये कौन सी है, सैंडमैन रिएक्शन है, रिमर-टीमर रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन है, या स्टीफेंस रिएक्शन है। चलिए बेटा यस बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए चलिए
यस 18 का ए, यस यस ये जो है ना, जो बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये आपका है यस क्या बोल रहे हैं आप लोग इसका 18 का, ये है सैंडमेयर रिएक्शन है, ये याद आ रहा आपको सैंडमेयर रिएक्शन, इसको तो कर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सैंडमेयर रिएक्शन है ये। ओके अभी ये डायरेक्ट है, जिसका डायरेक्ट इसका होता है मैं खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेफिक्र रहिए आप लोग। जैसे आप देखो नाइन क्वेश्चन नंबर 19 दूँ, आया ना इसका तो पहचानना था, यस यस 18 का सबका स्टीफन नहीं बेटा, वो सैंडमेयर रिएक्शन है बेटा वो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया आपके सामने, अब डाइजोनियस सॉल्ट इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय यूजिंग, क्या यूज करना पड़ेगा, डाइजोनियस सॉल्ट इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फॉस्फोरिक एसिड या इथेनॉल या फिर ए और सी, मतलब बी और सी दोनों होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है अभी, चलिए चलिए इसका आंसर बताते हैं कौन बताएगा, चलिए हाँ इसका आंसर बेटा होगा क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड से भी रिड्यूस करते हैं और इथेनॉल से करते हैं, इसका आंसर डी होना चाहिए बेटा, दोनों से करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जिसको बोलते हैं क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, याद है ना, फॉस्फोरस से दूसरा नाम क्या है, हाइपो फॉस्फोरस, हाइपो फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं इसको, याद आ रहा है आपको, है ना, यस यस क्या आंसर आया इसका, सैंडमेयर रिएक्शन इजी है ना बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, ये जो है ना ये डायजोनी ग्रुप यहां से रिप्लेस हो जाता है, किससे आपका हेलोजन, आपका क्लोराइड, एसएल में क्या लिया क्लोराइड, तो क्लोराइड इसको रिप्लेस करेगा, ये सीएल इसको रिप्लेस करेगा तो बन जाएगा देखो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। सैंडमेयर रिएक्शन होता है कि आपका जो हेलाइड होता है क्लोराइड या ब्रोमाइड क्या करता है, डाइजोनियम सॉल्ट के आपको डाइजो ग्रुप को रिप्लेस करता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है ये बता दिया बेटा, देखो क्लोराइड आयन क्या करेगा, इस ग्रुप को रिप्लेस करता है, ये डाइजो ग्रुप है ये एन एन टू एक्स, इसको रिप्लेस करेगा, देखो सेल्फी को इनमें बता दिया, ये देखो ये इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आ गया क्लोराइड हो गया और नाइट्रोजन गैस इसमें ये वॉल्ड होता है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 20 भी बढ़िया, देखो क्वेश्चन नंबर 20, चलिए 20 20 20 यस। अब देखो बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड को एचबीएफ से किया तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया, इसका पीपीटी बनेगा, फिर इसको सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करेंगे तो ए क्या बनेगा बताना आप, ए फिर ये बाकी बाय नाइट्रोजन और सोडियम फ्लोर निकल गया, ए क्या बनेगा, यस सोचिए क्या बन सकता है ये, यस क्या आएगा यहाँ पे बनेगा आपका C6H5NO2, मेरे ख्याल से यहाँ बनेगा आपका नाइट्रोबेंजीन, नहीं बेटा सी आंसर है नाइट्रोबेंजीन, इजी रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा क्योंकि सोडियम नाइट्राइड और कॉपर पाउडर से रिएक्शन किया ना, आ रहा है कि नहीं, देखो यस 20 का सी, यस यस ऐसा टाइप करके बताइए 20 का सी आंसर, यस 20 का ए नहीं 20 का सी आंसर है बेटा, ठीक है ना। ओके वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, अब देखो मिथाइल साइनाइड को सोडियम और एल्कोहल से रिएक्शन किया तो बनेगा आपका इथाइल अमाइन, एबो रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बताइए, स्टीफन रिएक्शन है, मेंडिस रिडक्शन है रिएक्शन है, या हॉफमैन रिएक्शन है, या कोलबिस रिएक्शन है, चलिए बताइए बेटा क्या आंसर होगा। यस ऐसा करना है कि क्वेश्चन देखो आज के कैसे बोल, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं, जिनको ये क्वेश्चन आ गए बहुत भारी क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि आपका अच्छा खासा मैंने JEE का लेवल डाल दिया इसके अंदर, अच्छा खासा JEE का लेवल है इसके अंदर, ठीक है ना, आपका JEE एग्जाम भी चल रहा है ना अभी। यस क्या आंसर आया इसका, इसका आएगा ये मेंडियस रिडक्शन है, अगर हम सोडियम और एल्कोहल का यूज करते हैं तो मेंडियस रिडक्शन ये बोलते हैं इसको, नेम रिएक्शन है मेंडियस रिडक्शन, आया कि नहीं। यस 21 का सी नहीं बेटा बी है, 21 का क्या है, 21 का बी आंसर है बेटा, 21 का क्या आएगा आंसर, बी आंसर है, दिख रहा है आपको। चलिए अच्छा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिए ना मैंने जरा, हाँ चलिए बढ़िया है बढ़िया, कोई बात नहीं हार्ड रहने तो ना, क्या हो गया,
क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, स्लो लेना है। चलिए ये क्लियर है ना आपका, देख लीजिए ये क्लियर है ना, 21 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो 22 बताइए, इन गटरमैन रिएक्शन अ डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एक्स यूजिंग वाई, एक्स एंड वाई आर। चलो मैं इसको आराम से लेता, आप सोचिए आंसर इसका। अच्छा नेचर लेवल बोल रहा है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बोलता है सिंपल है, एक बोलता है हार्ड क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को सिंपल हो सकता है, किसी को हार्ड लगेगा। चलिए बढ़िया है फिर तो। चलिए बेटा बताइए इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए, अभी आधा भी बहुत हो गया है, 45 मिनट्स होते आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन भी नहीं हुए। आज के क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए ना। हाँ देखना है मुझे आप क्या आएगा, क्या यूज करते हैं इसमें, एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा इसके अंदर। गटरमैन में क्या लेते हैं, गटरमैन तो डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करना है किससे, एक्स से। क्या एक्स मतलब वो क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा, है ना, एक्स क्या हो गया क्लोराइड और ब्रोमाइड होगा। ठीक है ना, तो देखिए बेटा ठीक है ना, तो एक्स क्लोराइड ब्रोमाइड और वाई क्या होगा आपका, कॉपर और HCl होना चाहिए ना, कॉपर पाउडर और HCl। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, 22 का आंसर ए राइट है, करेक्ट है ना ए, नहीं नहीं ए होगा बेटा, 25 का आंसर ए होना चाहिए, 25 का आंसर ए होना चाहिए, 25 का आंसर ए होना चाहिए, यस सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन है ये तो, है ना। हाँ बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज। चलो कुछ क्वेश्चन थोड़े सिंपल है अभी, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, यस। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन है द नाइट्रोजन आइटम कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर बोल रहा है बी ऑप्शन दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस मीडियम, फिर सी दे फॉर्म क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट व्हेन हीटेड विद एसिड, फिर डी ए दे कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यस इसका आंसर बताइए। हाँ चलिए चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर, 23 का ए, यस करेक्ट है, 23 का आंसर ए करेक्ट है। नाइट्रोजन जब अमाइन लेते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर अगर लोन पेयर है तो उसके कारण क्या करता है, वो बेसिक नेचर शो करता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी अमाइन कंटेंस, एक्वियस सॉल्यूशन लिए आपने प्राइमरी तो उसमें क्या मिलेगा आपको, आर एन प्लस एच थ्री ओ एच माइनस, या फिर मिलेगा आपको यहां पर बी आर एन एच थ्री ओ एच, या फिर सी, या फिर वो डी बोथ ए एंड सी। चलो ये तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत सिंपल है। अगर आपने क्या किया यहाँ पर देख लीजिए, प्राइमरी अमाइन लिया हमने आर एन एच टू, इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया तो क्या बनता है आपको मालूम ही होगा इसका, यस इससे बनेगा आपका आर एन एच थ्री प्लस ओ एच माइनस, ये आयनाइज होकर क्या बना सकता है आगे, आर एन एच थ्री प्लस और ओ एच, मतलब इसका मतलब मुझे ए और बी दोनों दिख रहे हैं, है ना, ए और बी दोनों, इसका आंसर डी होना चाहिए, ए और बी दोनों है, दोनों हो सकते हैं ना, यस करेक्ट। बताइए 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 फटाफट फटाफट फटाफट, यस क्या होगा जल्दी सोचिए, करेक्ट है कि नहीं, यस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड इज हीटेड विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इट गिव्स क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
एंड विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडर गो बीटा एलिमिनेशन टू गिव अल्किन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, नाम बताना है भाई आराम से, हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन अमोलिसिस, हॉफमैन अल्कलेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड। चलिए बताइए इसका आंसर, बहुत बढ़िया बढ़िया है, जल्दी जल्दी बताइए क्या नाम होगा। चलिए चलिए चलिए, जरा कई लोगों को नींद आ रही होगी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। यस क्या आया 25 का, ए यस हॉफमैन एलिमिनेशन, यस करेक्ट है करेक्ट है, ए 25। अब बाप रे, एक तो अभी दे रहा है 23 का आंसर, इतना लेट, 25 का आंसर, 25 का आंसर ए है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या, यस क्वेश्चन नंबर 26, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड डाइल्यूट HCl टू गिव इथेनॉल, तो ए क्या होगा बताइए, इथाइलामाइन, इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्रोसोमाइन, इथाइल अमोनियम नाइट्राइट, चलिए बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका, 26 का आंसर बताइए। इसका आंसर है ए इथाइलामाइन, क्योंकि अगर आपने इथाइलामाइन लिया CH3CH2NH2, अगर इसको हमने किससे रिएक्शन किया, नाइट्रस एसिड मतलब HONO, ये किससे जनरेट हो रहा है यहाँ पर, सोडियम नाइट्राइट NaNO2+HCl, याद आया, तो अब यहाँ पर जो हो ये OH इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3CH2OH, इसका मतलब आंसर इथाइलामाइन से बनेगा, करेक्ट है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं अभी, 27 अमाइंस आर लेविस बेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन, ये तो बहुत इजी है, इस टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है लेकिन पैटर्न अलग है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हुआ, अमाइंस आर लेविस बेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या अल्काइल ग्रुप है, ये तो बहुत आसान है बेटा आंसर, यस 27 का ए नाइट्रोजन, सबका आंसर आना चाहिए बेटा, ये 27 का नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, है ना, देख लीजिए ना RNH2, तो लोन पेयर किसके होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, देख रहा है आपको, लोन पेयर होना चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर, ओके यस यस, सबका आंसर आना चाहिए, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इन अमाइंस लार्जर द वैल्यू ऑफ KB तो डैश इज द बेस, कैसा होगा, अमाइन में अगर हमने KB के लिए लार्ज कर दी तो बेस कैसा होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, नाइदर स्ट्रॉन्गर नॉर वीकर या फिर नन ऑफ दिस, यस कौन बताएगा, आपको याद होगा कि KB में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ना, मतलब ऐसा करेंगे इसको, ऐसा लिखते हैं बेसिसिटी जो रहता है, बेसिसिटी जो रहेगा, तो बेसिसिटी जो रहेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, यस आंसर इसका स्ट्रांग होगा बेटा, स्ट्रांगर बेस बी आंसर होगा, स्ट्रांगर होता है, वीक नहीं होता बेटा, वीक नहीं होता है, KB का PKB का वीक होता है, PKB का इन्वर्स होता है ना, चलो मतलब KB वाली जितनी ज्यादा का उतना स्ट्रांग बेस, और PKB में क्या होता है इसकी वैल्यू कम होती है, वो PKB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, PKB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखिए। अब इसका आंसर ये होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं जरा जल्दी करते हैं, कहीं जल्दी करते हैं, 29 प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, या बोथ ए एंड बी बनेगा, या अमाइड, चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, प्राइमरी अमाइन को अगर हमने क्या किया,
किससे रिएक्शन कर दिया, प्राइमरी अमाइन को हमने रिएक्शन कर दिया नाइट्रस एसिड, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ देखो Na(NO)2+2HCl गिव्स, यहाँ बनता है आपका Rn2+Cl- +2HO, याद आ रहा है आपको, देख लीजिए। और ये होता है हाईली अनस्टेबल, बाद में क्या होगा देखो, ये रिएक्शन करके बनाता है आपका प्राइमरी अल्कोहल, Roh+N2 गैस इवॉल्व होगा +HCl, मतलब इसमें अल्कोहल ही बनता है और डाइजेनियस सॉल्ट बनता है। इसका आंसर सी होना चाहिए। ये सब देखते हैं कितने लोगों लाए इसका सी। यस यस, बहुत बढ़िया, 29 का आंसर सी होना चाहिए, 29 का आंसर सी होगा। यस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30, इथाइल अमाइन रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन टू फॉर्म, क्या बनाएगा? हमने लिया इथाइल अमाइन, इसको हमने रिएक्शन किया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिया, पाइरिडीन ले लिया हमने यहां पर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, C2H5NHCOCH3, ये बनता है, इसका नाम है एन एसिटाइल इथाइलामाइन। हाँ यस, क्या बताएंगे इसका आंसर? यस, 30 का आंसर बेटा, ऑल ऑफ दिस, सारे नाम एक ही है, सब एक ही है, सेम है, मतलब एन एसिटाइल इथाइलामाइन, एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल एसिटामाइड, देख लीजिए इसका आंसर डी होना चाहिए, 30 का डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, सारे नाम इसी के ही है, सब इसी के नाम है। यस, आया ना, बहुत बढ़िया, ट्विस्टिंग, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड टाइलेटिंग एजेंट कंज्यूम बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड टाइलेटिंग एजेंट कंज्यूम बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। यस, आप देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। चलिए चलिए, यस, इसका बताइए कितना आएगा, प्राइमरी करता है 1 मोल, सेकेंडरी करता है 1 मोल, टर्शियरी नो रिएक्शन 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, कौन बताएगा क्या आंसर आएगा इसका? यस, कौन बताएगा? यस, ए आंसर होगा इसका, आएगा ए। हाँ, टर्शरी का 0 होगा, प्राइमरी का 1, अगर कंडीशन दिया तो 2 हो सकता है, सेकेंडरी का 1, टर्शरी का 0। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। व्हेन अ प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद अल्काइल हैलाइड इट गिव्स, क्या बनाएगा? अगर हमने प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट को हीट किया अल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या बनाता है? ए, अगर मैंने प्राइमरी अमाइन को किससे रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड के साथ किया तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन से बनेगा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना, सेकेंडरी अमाइन से बनेगा टर्शरी अमाइन, ठीक है ना, और टर्शरी अमाइन से बनेगा क्वॉटरनरी अमोनियम हैलाइड, मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, नहीं ऑल ऑफ दीज होगा बेटा, सारे बन रहे हैं, देखो ना, ए में लिखा है क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बी में लिखा है सेकेंडरी अमाइन, और सी में लिखा है टर्शियरी, मतलब सभी बन रहे हैं। यस यस यस, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो 33 देखते हैं, हम बढ़िया क्वेश्चन है भी, देखिए अभी थैलीमाइट, यस क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, देख लीजिए बेटा, थैलीमाइट रिएक्ट्स विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड ए, विच रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड टू गिव बी, एंड विच ऑन अल्कलाइन हैलाइड्स गिव सी, तो सी क्या होगा? यस, कौन बताता है इसका आंसर? हम्म,
इसका आंसर प्राइमरी अमाइन। ये कौन सी रिएक्शन मतलब क्या है, गैब्रियल, दिस इज द गैब्रियल, कौन सी रिएक्शन है ये, दिस इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, याद आ रहा है आपको, थैलीमाइड सिंथेसिस याद आया। यस, इसका आंसर सी करेक्ट है ना सभी का, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 34 फिर आ गया, अब आइडेंटिटी वाला। मिथाइल आइडाइड को ए से रिएक्शन की ए से करेंगे तो मिथाइल साइनाइड, और बाद उसका रिडक्शन करेंगे तो बी, तो ए और बी को आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए चलिए जल्दी करो, 15 ही क्वेश्चन और रह गए हैं। यस, मिथाइल आइड ए क्या लेंगे यहाँ पर, मुझे लगता है साइनाइड आया ना तो मतलब पोटेशियम साइनाइड लिया होगा, है ना, फिर उसका रिडक्शन किया तो बी बना है, बी क्या बने, रिडक्शन में क्या बनता है, CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होना चाहिए फिर, KCN और इथाइल अमाइन, KCN इथाइल अमाइन, इसका आंसर बी होना चाहिए। अरे सी डी होना चाहिए, डी डी में दिख रहा है वो, डी है कि नहीं, यस यस डी होना चाहिए। ठीक है ना, आ रहा है, यस यस बहुत लोग सही आंसर दे रहे, बात क्या बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35। अब इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट सेलुलर ऑक्साइड टू गिव, क्या बनेगा, इथाइल मतलब CH3 CH2 एंड फिर ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, है ना, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसको हमने किससे किया है, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड Ag2O+H2, है ना, याद आ रहा है कि नहीं, यस मॉर्निंग में लेक्चर का टाइम बेटा, कौन से यूट्यूब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो देखो अभी अल्फा है बीटा है, तो बीटा से आपका एच निकल जाएगा, यहां से आप क्या निकाल दीजिए, एच निकाल दीजिए बीटा से, यहां से एच आयोडाइड, है ना, यस इसका आंसर डी करेक्ट है, यस यस डी करेक्ट आ गया, पहचान में आ गया। लेकिन बेटा कहाँ के टाइम की बात कर रहे हैं, कोचिंग क्लास या यूट्यूब, इससे बनेगा आपका CH3 CH2 एन, ठीक है ना, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा CH3 टेकन थ्राइस और OH, और बाद में इसको हीट करके वाटर निकाल देंगे, बीटा से एच निकाल देंगे, यहाँ से ये बीटा कार्बन है ना, तो बीटा से एच को निकाल दीजिए, बीटा एच को, यहाँ से एच और यहाँ से OH, यहाँ बनेगा आपका इथीन बनेगा, इथीन लीस्ट सबस्ट्रेट मतलब मेजर प्रोडक्ट था, लीस्ट सबस्ट्रेट, इसमें देखो इथाइलिन कॉमन है में और इथीन IUPAC में, तो इसलिए इसका इसका डी होना चाहिए। है ना बेटा, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये भी आइडेंटिफाई है। चलिए यूट्यूब पे बेटा कल 9 से, कल का टाइम ही 9 to 10 ही रहेगा, 9 to 10, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे को और संडे को टाइम चेंज रहेगा बस, ठीक है ना, 9 to 10 लेंगे कल पे अपन, 9 to 10 कल मैं लेने वाला हूँ बायो मॉलिक्यूल्स, कल क्या लेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए का ए को नाइट्रेटिंग मिश्रण रिएक्शन तो बी बनेगा, बी को रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन, तो ए और बी पहचानना है, कोई बता सकता है क्या इसको, यस जल्दी करो जरा, 1 घंटा होते आ रहा है, अभी तो 14 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपने बेंजीन लिया, अगर आपने यहाँ पे बेंजीन लिया उसका नाइट्रेशन कर दो तो यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, क्या बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, और उसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एनिलीन बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपको लेना पड़ेगा 36 का आंसर ए होगा, बेंजीन है नाइट्रो बेंजीन। कल बेटा कल ले रहा हूं बायो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, कल कल बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, परसों लूंगा पॉलीमर, ठीक है ना,
ग्रीन केमिस्ट्री लास्ट में लेंगे अभी, ग्रीन केमिस्ट्री छोटा है ना उसको लास्ट लेंगे, उसके बाद फिर शुरू करूंगा मैं फिजिकल स्टार्ट कर रहा हूँ फिर मैं, ठीक है ना, उसके बाद फिजिकल स्टार्ट करेंगे। कल है आज मंगल, कल बुधवार गुरुवार, चलिए आ गया आंसर। ओके आप देख लीजिए क्वेश्चन है 37। एजोडाइस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनेगा, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड या क्लोरोबेंजेन। चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 37 का आंसर बताइए जरा जल्दी। यस 37 का आंसर, चलो 37 का, एजोडाइस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड या क्लोरोबेंजेन, बताइए किससे बनाते हैं इसको। एनिलीन से बनता है। और थोड़ा रुकिए रुकिए, सीटी सबके लिए मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी ला रहा हूँ, मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, और फिर आपका ये तो आपका काम हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। चलिए आ जाएगा ना। आएगी नहीं इसका, इसका बेटा ये एजोडाइज का ये है 37। यस 38 का बताइए, ट्राइमिथाइलामाइन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, क्या बनेगा। ट्राइइथाइलामाइन मतलब ट्राइमिथाइलामाइन, CH3 टेकन थ्राइस एन, इसको हमने किससे किया, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3CO टेकन ट्वाइस ओ, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। यस चलिए तो अभी थोड़े 12 क्वेश्चन रह गए बेटा, और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एसिटामाइड लिया, उसको लिथियम एलिहाइड्रेट क्या, तो जेड को आइडेंटिफाई कीजिए, चलो इजी है फटाफट बताइए। चलिए चलिए अभी करते हैं जरा, अभी क्वेश्चन भी इजी है। हाँ तो CO ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर दो ना CH2 में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, CH3CH2NH2 इथाइलामाइन, मतलब इसका आंसर ए होना चाहिए 39 का ए, है ना। चलो जरा जल्दी करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं अभी। इथाइल अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH गिव्स, इथाइल अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH गिव्स, क्या बनेगा। इथाइल अमाइन लिया हमने, ठीक है ना, इसको हमने किससे रिएक्शन कर दिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH इथेनॉलिक KOH, तो क्या बनता है याद कीजिए, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये आंसर आएगा, बी आंसर आएगा इसका। यस सर जल्दी करेंगे बी आंसर। चलो चलो एक दो तो गुड नाइट बोल के चले गए बाबा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अभी। एनिलीन, देखो एनिलीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयन एंड HCl फ्रॉम, किससे बनेगा अभी, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन या फिर नन ऑफ दिस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बनता है नाइट्रोबेंजीन से बनता है, देख लीजिए करेक्ट है क्या मेरा आंसर, देख लीजिए, हाँ याद आया ना। चलो बेटा 9 क्वेश्चन रह गए अभी, रुकिए 9 क्वेश्चन रह गए बस। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, ये तो बहुत आसान है, चलिए बताइए 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 क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है यस प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, यस प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। थोड़ा रह गया बेटा, तो 8 क्वेश्चन और रह गए, हो जाएगा 7-8 मिनट और लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा। 43 देखो, टर्शियरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ड्यू टू, ये बहुत आसान है,
एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आइटम। चलिए बताइए 43 का बताइए, जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट मूव कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए ना तो प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, 10 बज के 10 मिनट होने वाले हैं। तो देखो एब्सेंस ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, 43 का आंसर क्या होगा, टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फ्यूरिक क्लोराइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ए आंसर होगा ना, एब्सेंस ऑफ, यस। चलिए जल्दी लेते हैं क्वेश्चन 44, यस क्वेश्चन 44, सल्फा एनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज सॉल्ट कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, सल्फा एनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज सॉल्ट कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोलर आयन, ज्वेटर आयन, नॉन पोलर आयन, या फिर बोथ ए एंड बी, देखते हैं इसका आंसर कौन था, थ्योरेटिकल आ जाते हैं आंसर, तो इसको डायपोलर और ज्वेटर एक ही होता है, इसका आंसर डी आएगा, आया कि नहीं, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करो जरा, 5 4 6 क्वेश्चन और रह गए हैं। यस क्वेश्चन 45, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड, थोड़े लास्ट में इजी रखे क्वेश्चन जिससे क्या होता है अपना जल्दी खत्म हो जाए वो, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, यस यस, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हाइंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइंसबर्ग रिएजेंट, आ गया कि नहीं। चलिए अब रह गए 5 क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन है 46 देख लीजिए, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइडेज, कैसा होता है, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब एन सल्फ, तो क्या होगा बताइए, चलिए चलिए जल्दी जल्दी, थोड़ा रह गया है बस, आज के जरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ गए, कुछ क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन हार्ड है इसके अंदर, इसलिए टाइम लग गया ज्यादा, ये एसिडिक होता है बेटा, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, एन अल्काइल है ना, एन सल्काइल बेंजीन, ये आपका एसिडिक होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 47, दीज डे, मतलब आजकल की बात कर रहे हैं, दीज डेज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस किया गया इसको, पैराटोलोइन सल्फोनिल क्लोराइड या फिर मेटाटोलिन सल्फोनिक एसिड क्लोराइड है, या फिर ऑर्थोटोलोइन सल्फोनिल क्लोराइड या फिर ऑर्थोपैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, यस, किसी को याद आ रहा है क्या, स्ट्रक्चर बताता हूँ इसका, ऐसा रहता है, ये ऐसा होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर है आजकल का इसका, इसका है पैराटोलोइन सल्फोनिल क्लोराइड, ए आंसर है इसका, बहुत बढ़िया। चलो अब 2-3 क्वेश्चन रह गए अभी, यस बाप रे, अभी अभी दे रहे 45 का आंसर। चलिए 48 देखते हैं, एनिलीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सल्फाइनिलिक एसिड या पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर बोथ ए एंड बी या फिर पैरा अमाइनो एसिड, यस बताइए बताइए क्या होगा, इसका आंसर बेटा सी है, क्योंकि सल्फाइनिक एसिड का दूसरा नाम है पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यस याद आया। चलिए 49 देखते हैं, अमाइंस आर कैसे होते हैं, लेविस एसिड, लेविस बेसिस या एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल, चलिए चलिए जल्दी 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 आंसर दीजिए, यस इसका आंसर है लेविस बेसिस होता है, यस लेविस बेसिस है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन सॉल्यूशन, मतलब एक्वियस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्वियस, क्या ऑर्डर होगा आपको याद होगा, सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी, फिर आता है टर्शरी, फिर आता है अमोनिया, यस बताइए इस ऑर्डर से कौन सा होगा एग्जाम्पल। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम स्टॉप करने वाले हैं, यस बताइए क्या आंसर होगा, 50 का आंसर बताइए क्या होगा,
आ रहा है। यस 50 का आंसर बी करेक्ट है। यस हो गया। आप समझ लीजिए अब ये कल का, मैं आपको बताता हूँ टाइमिंग। हाँ आप देखिए जरा, मैं जरा आपको बताने जा रहा हूँ कल का कैसे क्या करना है, चैप्टर कौन सा है क्या है आपको बता देता हूँ। कल मैं ले रहा हूँ, देखो टाइम आपका, टाइमिंग सुन लीजिए कल का। टाइमिंग अपना ये रहेगा 9:09 PM रहेगा। चैप्टर जो लेने वाला हूँ, चैप्टर चैप्टर का नाम सुन लीजिए, चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और MCQs कितने लेता हूँ मैं इस पर, 50 MCQs रहते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा ये बताए कल का 9 PM, आप अपने आप मन से ज्वाइन हो जाना जी, सभी 9 बजे रहेगा क्या, और चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। ओके बेटा चलिए, बाय, गुड नाइट। सब लोग अभी अच्छी तरह से सोइए, अच्छी नींद पूरा कीजिए, सुबह उठिए और लेक्चर को जाइए अपने क्लास के, ठीक है ना। चलिए बेटा, चलिए बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं 9 बजे बेटा, चलिए बाय।